नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक जो जो कहानी शेयर कर रहा हूँ वो आपके मशहूर द शो मैन ऑफ बॉलीवुड राज कपूर के ऊपर है। राज कपूर अपने मूवीज़ के मीडियम से के प्लेटफॉर्म के थ्रू हमेशा उन्होंने एक सोशल मैसेज देने का हमेशा कोशिश किया। शायद यही एक रीज़न है कि जब भी वो मूवीज़ बनाते हैं तो हमेशा कुछ टाइम लेके बनाते हैं। पर एक समय ऐसा भी था जब 1953 में उनकी मूवी रिलीज हुई थी आह, जो सुपरहिट हो चुकी थी, और इसके बाद वो नेक्स्ट मूवी पे काम कर रहे थे जिसका नाम था श्री 420। वो मूवी भी ऑलमोस्ट 90% ख़त्म हो चुकी थी, और इसके बाद थर्ड मूवी पे भी वो एक साथ काम करना चाह रहे थे। जो थर्ड मूवी है वो एक्चुअली वो मूवी की तरह नहीं, वो एक डॉक्यूमेंट्री की तरह वो चाह रहे थे बनाना। शायद यही रीज़न है कि वो चाह रहे थे कि इस मूवी में कोई भी गाना ना हो। डॉक्यूमेंट्री मूवी हमेशा एक रियलिस्टिक दिखने मतलब कि दिखना चाहिए, ऐसा उन्हें ऐसा आज भी होता है और लोग ऐसे ही बनाना भी चाहते हैं। पर ये भी आप इस बात से भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि राज कपूर के मूवीज में सॉन्ग्स एक बहुत क्रिटिकल प्लेटफॉर्म है, या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीडियम था, क्योंकि उनके सॉन्ग्स के में भी इतने मीनिंग्स रहते थे जो कि उनके ऑडियंस को एक मैसेज देती थी। तो 1953 के बाद जब श्री 420 का भी शूटिंग हो रही थी, और इसके बाद जब वो जिस मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं आपको, उस मूवी का भी शूटिंग हो रहा था, तो वो भी काफ़ी चल रहा था। और राज कपूर जो थे एक काफ़ी शार्प डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, तो उन्हें ये बात से पहले उनको एक क्या था कि बोलते हैं एक आपको एक अनुमान लग गया था आपको कि ये मूवी में बन तो रही है, पर मूवी जो है वो उस तरह बनने रही है जैसा वो चाहते थे कि बन, ये ऑडियंस को से ये मूवी कनेक्ट नहीं कर पाएगी। यही रीज़न था कि मूवी बन रही है आपकी 50-60% मूवी बन चुकी है। राज कपूर की को एक्ट्रेस जो हमेशा रहती थी उनका नाम था, आप लोग जानते हो, नरगिस। तो किसी बातों बातों में उन्होंने नरगिस से पूछा कि मूवी तो मैं बना रहा हूँ और सब्जेक्ट भी अच्छा है, मैं इसे डॉक्यूमेंट्री की तरह बनाना चाह रहा हूँ ताकि वो रियलिस्टिक लगे और ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो, पर वो ठीक से बन नहीं रही है, मुझे लग नहीं रहा है। तो इस पे नरगिस ने बोला कि राज कपूर आप एक काम करो, आप जब भी मूवी बनाते हो हमेशा तो आपके जो मूवीज़ में जो सॉन्ग्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वो एक फैक्टर होते हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप इस मूवी के लिए भी, इस डॉक्यूमेंट्री के लिए भी सॉन्ग्स डालो, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स डालो। अभी क्या था कि सॉन्ग्स के बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था, और उनके मूवीज़ में जो मैक्सिमम जो सॉन्ग्स जो 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 कंपोज करते थे या म्यूजिक डायरेक्टर थे वो होते थे आपके शंकर जयकिशन। और यही बात करूं मैं आपका लिरिक्स राइटर के तो वो थे हमारे हसरत जयपुरी। लेकिन जब सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिल रहा था तो नरगिस से बात करने के बाद उन्होंने शंकर जयकिशन को और हजरत जयपुरी को अपने यहाँ बुलाया और उससे डिस्कस किया कि ठीक हो, ये मेरी मूवी है, मैं ऐसा मूवी बनाना चाहता हूँ, तो मुझे इस मूवी के अकॉर्डिंग ही मुझे एक सॉन्ग चाहिए जो कि मैच करे कंडीशन को, सिचुएशन को देखकर। चलो फिर ये मूवी आपका, फिर जैसे अब काम उस मूवी में सॉन्ग्स के ऊपर भी काम होना शुरू हो गया। और जिस मूवी का मैं बात कर रहा हूँ वो 1954 में रिलीज हुई थी, और उस मूवी का नाम था बूट पॉलिश। अब बूट पॉलिश आप लोग ने, जिन्होंने भी देखा है और जिन्होंने भी बूट पॉलिश का गाना सुना है, तो आप लोग खुद बोलो कि बिना सॉन्ग्स के क्या बूट पॉलिश का वो सक्सेस होना, जो कि वो आपका इंडिया में नहीं, वो ग्लोबल लेवल में सक्सेस हुआ था, ये आपका रशिया हर जगह वो फैल गया था, इतना सक्सेस हुआ था, तो वो शायद सक्सेस हमें आज देखने को भी नहीं मिलता। दूसरी बात ये है कि इसी मूवी में एक सॉन्ग था जिस सॉन्ग का नाम था मैं बाजारों की रानी। उस सॉन्ग के लिए शंकर जयकिशन ने लता मंगेशकर को अप्रोच करते हुए कहा कि मैं चाहता हूँ कि लता जी आप ये गाना गाओ। चूंकि इस सॉन्ग का जो फर्स्ट लाइन था मैं बाजारों की रानी, ये सुनकर लता मंगेशकर ने बोला कि ये सॉन्ग बाजारों की रानी सुनने में कुछ चीप लगता है, वल्गर लगता है, तो इसे आप चेंज करो। चलो चलो ठीक है,
शंकर जयकिशन ने हसर जयपुरी से बात करके बाजारों की रानी को हटा के बहारों की रानी कर दिया। फिर भी शायद लता मंगेशकर उस सॉन्ग से उतनी सेटिस्फाई नहीं हो पाई, तब जाके यही सॉन्ग लता मंगेशकर की अपनी ही बहन, छोटी बहन आशा भोसले को दिया गया। और जब ये सॉन्ग निकला तो क्या निकला। इस सॉन्ग की एक 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 और खास बात है, आप लोग शायद ये बात जानते नहीं है, पर इस सॉन्ग में जिस एक्ट्रेस ने डांस किया है या अभिनय किया है वो और कोई नहीं, हमारे आज के सुपरहिट स्टार रणवीर सिंह की दादी थी। तो यही थी आज की किस्सा, और यही थी कि कैसे एक डॉक्यूमेंट्री से को लेकर बनने वाली मूवी जाकर एक अच्छी एक सुपरहिट एक कल्ट मूवी साबित हुई, और जिसमें जहां सॉन्ग्स का कोई वैल्यू नहीं था, सॉन्ग्स राज कपूर नहीं रखने वाले थे, उसमें सॉन्ग्स रखा गया और वो सॉन्ग्स इतनी चली। और वो शायद मुझे ये कहना गलत भी नहीं होगा कि ये मूवीज़ तो बहुत अच्छी थी पर सॉन्ग्स जो अपना इम्पैक्ट लेके आया इस मूवी में वो काबिली तारीफ थी। बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।